4 योगा पोजेस फॉर क्रोनिक पेन। दोस्तों आज हम जानेंगे वो चार आसन जो कि क्रोनिक पेन यानी कि पुराने दर्द को दूर करने में लाभकारी होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कौन से हैं ये चार आसन। सुप्त पादांगुष्ठासन। तो सबसे पहले आपको मैट पर बिल्कुल सीधा लेट जाना है। सुप्त मतलब कि आपको लेटना है इस तरह से स्ट्रेट। पादांगुष्ठान मतलब कि आपको अपने अंगूठे को पकड़ना है। तो कैसे करेंगे हम ये आसन? इस पैर को, लेफ्ट लेग को ऊपर की ओर ले जाएंगे सीधा एकदम स्ट्रेट, और सेम हैंड से ही, मतलब कि लेफ्ट हैंड से ही अंगूठे को पकड़ने का पूरा ट्राई करना है आपको इस तरह से। दूसरा वाला लेग आपका स्ट्रेट रहेगा और ये वाला लेग भी आपका स्ट्रेट, और जितना पीछे ला सकते हैं आपको उतना पीछे लाना है। अगर आपसे पकड़ा नहीं जा रहा है तो आप धीरे से ऊपर लाइए, अपनी नी तक पहले ले जाइए, दोनों हाथों से पकड़िए अगर आप बिगिनर हैं इस तरह से, फिर थोड़ा और नीचे लाइए, फिर नीचे लाते हुए अंगूठे को इस तरह से अंगूठे से पकड़ लीजिए, नी को एकदम स्ट्रेट, बिल्कुल मोड़िए नहीं, और जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाकर वहां पर स्टॉप कीजिए, और दूसरा हाथ आपका थाइस के बिल्कुल बाहर, और जो नीचे वाला लेग है उसको बिल्कुल मोड़िए, रिलैक्स रखिए, और कुछ देर रुकने के बाद अंगूठे को छोड़िए, वापस लेग को नीचे की ओर धीरे धीरे करके ले जाइए। सेतुबंधासन। सबसे पहले आप अपने मैट पर लेट जाइए इस तरह से। लेटने के बाद आपके जो हील्स हैं, आपकी जो एड़िया हैं, उसको अंदर की ओर लाइए, मतलब अपने हिप के बिल्कुल पास में, 1 इंच का गैप आप रख सकते हैं अगर ज़्यादा पास ना हो सके। अब आपको दोनों हाथ साइड में रखने हैं इस तरह से, और अपनी कमर को, स्टमक को ऊपर की ओर खींचते जाना है, स्ट्रेच करते जाना है। जितना आपसे स्ट्रेच हो सके उतना ही स्ट्रेच करना है, ऊपर जाते हुए श्वास को अंदर, कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है। जिनको नी पेन है वो ये ध्यान रखें कि नी को ज्यादा फोल्ड नहीं करना है, आपको स्ट्रेट करके भी, मतलब इस तरह से पैर को रख के भी आप इस आसन को कर सकते हैं। और जिनको शोल्डर या सर्वाइकल या फिर यहाँ पर कोई इंजरी हुई है उनको भी आसन नहीं करना है, इससे आपके गर्दन पर ज़्यादा इफेक्ट आएगा और आपकी इंजरी और बढ़ सकती है। तो ध्यान रखेंगे कि ये सर्वाइकल और इंजरी में ना करें। और जब आप स्टमक को ऊपर करें तो इनहेल तो करना ही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करना है आपको। और अगर आप और एडवांस करना चाहते हैं तो अपनी हील को इस तरह से रेज कर सकते हैं, दोनों हाथ पीछे बंद कर सकते हैं, अलग अलग वेरिएशन में आप सेतुबंधासन कर सकते हैं, और फिर धीरे से नीचे एंड रिलैक्स, पैरों को सीधा कर लीजिए एंड रिलैक्स। त्रिकोणासन। शुरू करते हैं किस तरह से इस आसन को किया जाए। अपने पैरों में इस तरह से गैप, 4 फीट 3 फीट का गैप रख सकते हैं, और अपने लेफ्ट लेग को बाहर की तरफ निकालते हुए आपका जो राइट पैर है वो बिल्कुल सामने की तरफ रहेगा। कमर गर्दन को सीधा रखना है, दोनों हाथों को साइड में ले जाते हुए अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड बेंड करना है। ध्यान रखेंगे ऊपर से इनहेल और नीचे आते हुए आपको एक्सहेल करना है, जितना यथाशक्ति हो उतना आपको टच करना है और ऊपर वाले हाथ की ओर देख लेना है। इस तरह से आपके दोनों नीज बिल्कुल सीधे रहेंगे। जब भी आप आए तो दोनों नीज सीधे रहने चाहिए, बिल्कुल मुड़ना नहीं चाहिए। आपका पैर का गैप बहुत ज्यादा वाइड भी ना हो और बहुत ज्यादा अंदर भी ना हो। नीचे आते हुए अगर आपकी गर्दन में दर्द हो रहा है, कुछ पेन है, तो आपको नेक को सामने की ओर रखना है, ऊपर मत देखिए, सामने की ओर रखिए, और ट्राई करेंगे कि ये जो आपका हिप है ज्यादा बाहर की तरफ नहीं निकालना है। इस तरह से करते हुए आपको यहाँ पर स्टॉप होना है, फिर वापस इनहेल करते हुए दोनों हाथ साइड, पैर को अंदर की ओर मोड़ेंगे और फिर से सावधान की स्थिति में आ जाएंगे। गरुड़ासन। सबसे पहले आप अपने मैट पर ऐसे सावधान की स्थिति में ताड़ासन में खड़े हो जाइए। अब अपना राइट लेग आगे की ओर लाइए और फिर इसको लेफ्ट आपके उल्टे पैर की तरफ इस तरह से घुमाते हुए आपको पूरा लपेट देना है काफ के चारों तरफ,
और फिर अपने हाथ जो सेम लेग है वही सेम हैंड ऊपर रखना है और इस तरह से घुमाते हुए अपने हाथों को नमस्कार की पोजीशन में लगाना है। आप धीरे धीरे लाइक इस तरह से धीरे धीरे करके हाथों को नमस्कार के पोजीशन में और बिल्कुल सीध में अपने हाथ को टिप की तरफ देखना है और धीरे से नीचे की ओर आपको बैठ जाना है। आपकी जो आंखें हैं बिल्कुल सामने की ओर रहें, इधर उधर नहीं देखना है। अब धीरे से ऊपर आइए, हाथों को धीरे से खोलिए, नीचे लाइए और फिर लेग को इस तरह से खोलते हुए आप सीधे हो जाइए। तो ये थे वो चार योगासन जो कि पुराने दर्द को दूर करने में आपकी काफी मदद करेंगे। उम्मीद करते हैं आज के ये खास योगासन आपको पसंद आए होंगे। इसी के साथ ही दीजिए हमें इजाजत, लेकिन चलते चलते आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक जीवन कोश को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें जीवन कोश।